जिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी
लक्ष्मी का पुजारी सर्वे होई शांति बसा। दिने शुकल दशमी गुरुवार कहिले सुदशा व्रत हुए से दिनार लक्ष्मी अति प्रिय अटै से व्रत एहा कही परास रहिले मन व्रत। ताहांकु पूछिले पुणि ब्रह्मांक कुमार लक्ष्मी व्रत करिथिला मते के उनार कहिरु से शुभ फल फिसल भी अछि लक्ष्मी द्रोही होई करि के दुख पाई छि एहा सबु मो आकरे कहत फिसाई सुनिबाकु ताहा चित्ते श्रद्धा उपजाई। नारद वचन सुनि परासर मुनि कहन्ति हरस चित्ते सुमधुर बाणी धन्य हे नारद तुम्भ पवित्र चरित लक्ष्मी व्रत कथारे जे होई अक्षरत कहु अछि पुरातन कथा अछि जहाँ होई बो आनंद जत सुनि लेटि ताहा। एक दिने जगन्नाथ पासे लक्ष्मी थिले कर पत्र जोड़ी न ताहांको जोड़ाईले आजे मोबारर व्रत पड़ेला गोसाई तुम्हे आज्ञा देले नग्र बुले जीवी मुनि गोविंद बोइले लक्ष्मी नग्र ही बुलीबो दशमी पालना अन्न भेगे रंधी देव प्रभु का मुखर माता समस्त सुनीले वस्त्र अलंकार मान जतने पिंधीले नासिकारे नवरत्न भसणी खंजीले चौसरी रत्न माला कंठे लंबाईले करे बाहुटी रम्य बलय कंकण सुना सुता माणिक्य पदक आभरण बाजेणी नूपुर माला पयरे खंजीले एपरि नाना भूषणे प्रवेश होइले देवण माता अधिकार तिनि पूरा आभरण केते मात्र देव पटांतर। ब्रह्म
दस
ପ୍ରସାଦ ଖାଇ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଯେ ସୁସ୍ଥେ। ଏବେ ସାଧ ବାଣୀ ଶୁଣ, କେବେ ନ ଭାଜିବ ଖଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ, ଯେଉଁ ନାରୀ ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ଆମିଷ ଭୁଞ୍ଜଇ ଘରେ ଥିବା ନ ପଖାଳେ କେଶ कर्म जे करे से लक्ष्मी की न पाए। गुरुवार दिन सकाळ रु गोमय रे दुआर जे नली पई अड़ा सफण रे चुली रु न काढ़े पांच भखे जे आमिष ए मानंक ठारे ଧନ ଜନ ସବୁ ତାରା ହରଣ କରା।
जन्म जन्मांतरे बाल्य विधवा
बर्ण गाईर जे गोबर आणिला उत्तम करीण घर दुआर लिपिला छड़ा पाणी मुंदाए दुआरे पकाइला अरुआ चाउल बाटी घरे झोटी देला सोळ कोठी करी दिव्य पद्मे काटिला दश मुखा दीपावली मंडळे थापिला दश बर्ण फळ आणि मंडळे बाढिला सूता दश खिया नेई मंडळे थोइला मनर चंचले से हो बेगे चढ़ी गला अरुआ चाउल आउ दुब दस केरा ताहा नहीं चंडा लुणी मंडले थोईला धूप दीप गंध पुष्प नई वेद्य देला लक्ष्मी नारायणी बोली सुमरण कला नमस्ते नमस्ते मागो हरिर घरणी चंडाल साहिरे घर पुणी चंडाळुणी किंचित भक्ति मोर घेन कमळिनी दांडे दांडे जाऊथिले विष्णु पाट राणी सही न पारिले चंडाळुणी रजईणी पद्म फूल देखि तांक बळिला शरधा दुई पाद देई माता पद्मे हेले उभा चंडाळुणी घर गोटि पाइला कसोभा की उपमा देवा बोइले लो चंडाळुणी मागी घेन बर प्रसन्न होइली दुख नासी भी तोहर चंडाळुणी कहु अच्छी सिरे कर दे कि बर मागी भी मागो मागी जड़ी नाही भोगोष्ट कुदेव मोर लक्ष्य पद्म गाई कुबेर समान मत धन देबु तुही बोल पुनंदन जे हस्त कुसुना बाही चारि जुगे बसिबी अमर बर पाई लक्ष्मी सुणीण कहिले होइ लुकी बाई ए समस्त बर तते देई त पारई अमर बर देवको शक्ति नाही मोर एही बर मागिलु तुके मत प्रकार जेते दिन बंचिथिबु ऐश्वर्य भुंजिबु अंत काले तू ही विष्णु पंजरे फसीबू मोहर ए व्रत करू सब दिन लक्ष्मी नारायण पदे थी तोर मन सुन हे नारद इणे हरि बल राम मृगया विनोदे जाइथिले घोर बन जेतेबेले बल राम एक कथा जानिले करी सिंहरी को ये मत कहिले देख देख कन्हाई तो भारी जाचार उभा होई न अच्छी जे चंडाळुणी घर खाड़ी घरे थिबो लक्ष्मी पाण घरे थिबो स्नान न करीण बड़ देउले पसिबो एही रूपे सब दिने देउले पसुची तुई गोटी भाई को भी टाळ कराउची दारिद्र भंजनी नाम जेणु अच्छी बही दरिद्रमानंक कष्ट न पारुछि सही सुदर्श नामरे एक व्रत जिताहार एही व्रते चंडाळुणी पूजिता पयर भारी जारे कार्य जीवे अच्छि रे कन्हाई चंडाळ साहिरे तु नर तोड़ जाई आम्भ वाक्य मानि ताकु दियो घोड़ाई एपरि घरणी थिले भल गति नाही गोविंद बोलति भ्राता घोड़ाई देवा लक्ष्मी परा भारी जाकु आउ न लभिबा से जेबे दोष करिछि एमंत करिबा स्वर्गपुर लोकंकु हकारी अणाइबा पांच लक्ष टंका देई जाति कराइबा आउ बेले तार जदि अनीति देखिबा देउळ भितरु ताकु देबा घोड़ाई कथा प्रमाण तुम्हें सुण ज्येष्ठ भाई न जानी जे दोष कले सिंधुराज जीवा बारे मात्र भ्राता तांको दोष कर क्षमा बलराम बोलुछंती सुण भाव ग्राही तोर लक्ष्मी थिले मुही रही बही नाही
चारी जटी अटे सिना पादर पांडोई भाई थिले कोटी भर्जा मिले जे पारोई भर्जा ठारे लो भोजे बे अच्छी रे कन्हे चंडाल साही रे तू नर तोड़ जाई मोर बड़ा देवल को आउ न आसीबु भारी जाकु घेनी तू ही बाहर रहीबु भिकार वचन प्रभु सही न पारिले छाड़िली बोली न रंग धरे कहिले देउलर सिंह द्वारे प्रवेश होइले ऊर्ध मुख होई प्रभु निश्वास छाड़िले देखिले दुआरे बसी छंती बेरी भाई बोइले जे बाट छाड़ भीतर को जीवी दशमी जोगाड़ी मुही मानो ही रांधीबी गोविंद बोइले लक्ष्मी होइला साही की जाई थी लकाही पाई हम भी न देखूनु जे देखिले जे भाई हम भी देखी थी ले सीना दियंतु घोड़ाई जाओ लक्ष्मी तुम भठारे आओ एक
ଘର କରାଉ ସହସ୍ର ଘର ଭାଙ୍ଗି ସହସ୍ର ଘର କରାଉ ଏକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ହେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହିମା ତୋହର ଯାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାହାରି ଯେ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଦେଇ ମୋତେ ଦିଅ ଘଉଡ଼ାଇ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଜାତିରେ ଛାଡ଼ ପତ୍ର ଚଳେ ନାହିଁ ଛାଡ଼ିବା ଭାରି ଯା ମୁଖ ଚାହିଁ ନ ପାରଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସାଗର ମନ୍ଥିଲେ ଦେ ସହିତେ ମୋତେ ପାଇଥିଲ ସେତେବେଳ କଥା ତୁମ୍ଭେ ପାସୋରିଜି ଦେଲ ମୋର ପିତା ବରୁଣ ଯେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ବରିଲେ କନକ ବେଦୀରେ ନେଇ ବିଭା କରାଇଲେ ଝିଅ ଦେଇ ଶରଣ ପଶିଲେ ତୁମ୍ଭଠାଇ ଦଶ ଦୋଷ ମୋର କ୍ଷମା କରିବାର ପାଇଁ ଦଶ ଗୋଟି ଦୋଷରୁ ଗୋଟିଏ ନ ସହିଲ ପ୍ରଥମରେ ଚଣ୍ଡାଳୁଣି ଦିନ ଜୁଆ ଖେଳିବାର ବେଳେ ସାତ କଡ଼ା କଉଡ଼ି ଯେ ପାତି ନଇ ତଳେ ତୁମ୍ଭେ ଢାଳି ଦିଅ ନାଥ ମୋହର ହସ୍ତରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କଉଡ଼ି ମୁହି ଜାକି ନଇ କରେ ଭଗ୍ନ ହେଉଛି।
पिता रख
ଘରେ କହିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମ୍ଭ ଘରେ ଥିଲା ସହସ୍ର ଟଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଘେରି ଗଲା ହେମନ୍ତ ଖ୍ୟାତି ମୋତେ ନ ଦିଅ ଗୋସାଇ ତୁମ୍ଭ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ନିଅ ବାହୁଡ଼ାଇ ଦୟରୁ କାଢ଼ିଲେ ହୀର କୁଣ୍ଡଳ ଗଳାରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଦୋଷରେ ଚିନା ମାଡ଼ ପାଦରୁ କାଢ଼ିଲେ ଦେବୀ ବାଜେରି ନୂପୁର ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରୁ କାଢ଼ିଲେ ଯେ ଛୁଣ୍ଟି ଆସ ତୋର ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଏହା ବୋଲି ସମର୍ପିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ କହନ୍ତି କି କରିବୁନି ଆମ୍ଭର ଏ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ତୁମ୍ଭେ ଘେନି ଯାଅ ବିକି ଭାଙ୍ଗି କରି ଭାତ ଲୁଗା କରୁଥାଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଖ ଚାହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋସାଇଁ ଭୋଜନ କରିବ ତେବେ କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନ ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଗଲେ ବେଉଳ ବାହାର ହୋଇ କେତେ ଦୂର ଗଲେ ପାଇଁ
ଲାଭ ଦେବା ଫଳ ମୋର ହେବ କାରଣ ଦରିଦ୍ର ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ଭଗବାନ ଏତେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ତ ମାଏ ମନେ ସୁମରିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର କାନ୍ଥ ମାନ ସବୁ ଘରେ କଲେ ହୀରା ନୀଳା ମାଣିକ୍ୟାଦି ତହିଁ ଖଞ୍ଜାଇଲେ ଗଣ୍ଠି ସ୍ଥଳେ ଅନେକ ମୁକୁତା ଲଗାଇଲେ ପ୍ରବାଳର ସ୍ତମ୍ଭ ମାନ ତହିଁରେ ରଚିଲେ ପୁର ଦେଖି କମଳି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ବିଶ୍ୱକର୍ମାକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଚଳି ଗଲେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳଙ୍କୁ ଡାକି ଦେବୀ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ବେତାଳରେ ତୁମେ ମନ୍ତ କରିବ ପ୍ରଥମେ ରୋଷେଇ ସାଳେ ଯାଇ ନ ପଶିବ ଷାଠିଏ ପାଉଟି ଭୋଗ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେ ତହିଁ ତେର ପୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବ ହସ ହୋଇ ଶାଗ ମୁଗ ମଧୁରୁଚି ଚିତ୍ତ କାଞ୍ଜି ରାଇ ଆମ୍ବିର ଖାଇବ ଖଣ୍ଡ ସାକର ମିଶାଇ ଅମୃତ ମାଣ ହି ମାନ ଭୋଜନ କରିବ ହାଣ୍ଡି ମାନ ନେଇ ଏକଠାବେ କଛାଡ଼ିବ ଯାଇଣ ଭଣ୍ଡାର ମଧ୍ୟରେ ପଶିବ ବାଉନ କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ବହିଣ ଆଣିବ ଟାଣି କୌଡ଼ି କଡ଼ାର ଦ୍ରବ୍ୟ ନ ରଖିବ ସବୁ ବହି ଆଣି ମୋହ ପାଶେ ସମର୍ପିବ ବେତାଳ ବୋଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ହେମନ୍ତ କରିଣ ତୁ ଆଣିବୁ ବୁହାଇ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତହିଁ ଚେଇଥିବେ ଆମକୁ ଦେଖିଣ କାଳେ ପରାଭବ ଦେବେ ଚୁଡ଼ି ଯାକେ ସବୁ ନେଲେ ବୋହି ଦେଖି କରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆଜି ପୁତ୍ର ପଣ କରିଲ ବୋଇଲେ ପ୍ରଶଂସା କରିଣ ମାଏ ବଚନ ଯେ କହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଲ ତ ରତ୍ନ ଖଟ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ସେ ଖଟ ଅଟାଇ ଯାହାରେ ବେତାଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦରିଦ୍ର ହୋଇବେ ରତ୍ନ ଖଟ ବିକି କରି ଦିନ କଟାଇବେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଯେବେ ମୋତେ ନ ଖୋଜିବେ ନାରୀଙ୍କୁ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଉ ନ ଲୋଡ଼ିବେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ପ୍ରଭୁ ଯେବେ କରିବେ ଟି ଘର କଳି ଯୁଗେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯେ ନ ଖୋଜିବେ ନର ବେତାଳି ବୋଲୁଅଛନ୍ତି ରମା ମୁଖ ଚାହିଁ ରତ୍ନ ଖଟେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଗୋଟି ଭାଇ କୋଟି ସିଂହ ପରାକ୍ରମୀ ପ୍ରଭୁ ବଳରାମ ପୁଣି ତହିଁ ଶୋଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଗଞ୍ଜନ ସାତ ଗୋଟି ପର୍ବତରୁ ଅଟଳି ଯେ ଘରୁ ନାମ ବହି ଅଛନ୍ତି ଅଚଳ ମହାମେରୁ
ପିଆ ଖଟ ଏକ ଗୋଟି ଯେ ଆଣିବ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଙ୍କୁ ଯେ ଗଡ଼ାଇଣ ଦେବ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ବହିଣ ଆଣିବ ଏହା ଶୁଣି ବେତାଳେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଚଳିଗଲେ ରତ୍ନ ଖଟ ପାଶେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଦେଲେ ବଳରାମକୁ ପ୍ରଥମେ ଧରିଲେ ଯାଇ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟକୁ ଯେ ଦେଲେ ଗଡ଼ିଆଣି ଏ ଉତ୍ତାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଦୌଡ଼ିଆ ଖଟ ଉପରକୁ ଗଡ଼ାଇଲେ ଶୋଇବାର ରତ୍ନ ଖଟ ଆଣିଲେ କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଗେ ଦେଲେ ଆନନ୍ଦରେ ନେଇ ବଳରାମ ପିନ୍ଧିବାର ପାଟ ବହି ନେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପିନ୍ଧିବାର ନେତ ଘେନି ଗଲେ ଦେଖିକରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଲେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଣ ଦେଇଦେଲେ ଆରେ ଅଷ୍ଟ ବେତାଳରେ ଏମନ୍ତ କରିବ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ସୁଖରେ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ପାଇଣ ବେତାଳ କଣ ବେଗି ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ତ ହୁଁ ଏକ କଥା ବିଚାରିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କି ଯେ ହୃଦୟ ସୁମରିଲେ ବୋଇଲେ ଗୋ ସରସ୍ୱତୀ ମନ୍ତ କରିବ ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ଘରେ ବୁଲୁଥିବ ସର୍ବଦ୍ୱାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଲିବେ ଖାଇ ସର୍ବକଣ୍ଠେ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କର ତୁହି ଖାଇଲେ ବହିଲେ ନ ସରାଇ
ही होई अच्छा तुम्हें दुई भाई।
ଘଟି ତା ତୁ ବେଗେ ଡହଡ଼ ତାତି ବଖରାରେ ଯେନ୍ଦେ ଭାଜିବାର ବାଲି ଆଦେ ମାତ୍ର ତହି କେହି ନ ପାରିବେ ଚାଲି ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଯେ ଭାଇ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଖରାରେ ମୁଁ ଚାଲି ନ ପାରି ବେଗେ ବେଗେ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଯାଉ ଅଛ ଧାଇ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ ଏବେ କିସ କରି ବଇ ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ପରି ବଡ଼ ଦେବ ଗଲେ କମଳଙ୍କ ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ବଳରାମ କହିଲେ ଯେ ଶୁଣରେ କହନାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱରରେ ଆଗ ବେଦ ଜନ୍ମର ପାତ କହିଲା କ୍ଷୟ ମୋର ଘରେ ବିଜେ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବ ରାୟ ପଚାର ପଚାର ଦାସୀ ପଚାର ଲୋ ଯାଇ କିସ ମାଗୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେନି ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇ ମାଗୁଛ ପଣ୍ଡା ମାନେ କହ ତୁମେ ଭଲେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି ଦାସୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଅନ୍ନ ଗଣ୍ଡା ଏକ ତୁମ୍ଭେ ପାରିବ କି ଦେଇ ଏମନ୍ତ ଶୁଣିଣ ଦାସୀ ମାନେ ଚଳିଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁର ହଳ
सागने पुड़ाए को देले आरु सरु को दोली जे बड़ी भाई गड़ा दूध दही छेना जे सरकारा देले पुड़ा एबे जेते इच्छा से ते पुंजा हे बोइले गृहे महालक्ष्मी थाई विचार जे कले हाते रंगी न पुंजी बेजादी दुई भाई नारी को पुरुष से आओ लोड़ी बे किं पाई लक्ष्मी देवी काष्ट खंडे हाथ रे धाइले अग्निर संबन मंत्र देवी पाठ कले कदापि अग्नि देवता तेज न होइब हांडि न तातिब आउ पानी न तातिब जेते काठ जळुथिब भस्म होइजिब काठ जाक सही अंगार होइला तेबे सुधा जे किंची से पानी न ताथिला हटी कमली नी हट भी आईले जेडो हांडी तड़े कड़ा टिके न पड़ीला तेडो सुगंध तैला माने कहु छंती ब्राह्मण को चाही पाको सिद्धि हेला कि नहिला हे गोसाई तैल लगाई स्नान करबे गे जाई जगन्नाथ कहंती जे पानी न ताथिला की करीबु बेड़ा उछुरा होइला बड़ा राम कहु छंती सुन रे कन्हाई अन्न होइला कि नाही कहबे गे तुही जगन्नाथ कहु छंती सुन हे भाई की होई बटी के पानी ताती नहीं बड़ा राम कहु छंती रे अधुआ मुहा रांधी न जाड़ी तू होई अछुरा धुनिया तू ही आड़ हुआ मुही रांधुआ छी जाई अन्न रांधे बाकु पछे जाऊ तार घरे खाऊ भात
केते दुख दिन बंधु दुहे जे पाइले सुवर्णर चटु गोटी हस्तरे धरिले गोसाई शाला को लक्ष्मी देवी विजे कले प्रथमे रांधिले माघ बगड़ा जे अल मुग मधु रुचि खीरि नाना व्यंजन आंबिण साकर कले कदळी रा मजा अति जथे कले माए तिअण जे मजा काठिए फौटी से रंधन कले जाए बगड़ा भात महिमा कण ना न जाए दूध पुड़ी कले माथ घृत पुड़ी कले अति जतन रे माए सर पुड़ी कले जेते द्रव्य रांधि ब्राह्मण गुरुति कलीर मगुर कले पकाई न साची सहस्र अटिका रांधि द्रव्य सजाड़े जे जहा स्थान जत्ने रखाई न देले कर्पूर छेना सरकरा मरीच गोड़ाई ठिए नौती पड़ा रखिले कत ही रंगबाण पैड संगते छेना पड़ा अदा मिशा करी से नवत खंड छेना लक्ष्मी कर पाप गुण के कही पारिब झड़क मध्यरे माए सजाड़िले सर्व सबुथिरु खंडिए खंडिए रखिथिले भोजन शेष को पड़ बिठाई रखिले बोइले दासी की कर अंगमर दान ब्राह्मण बोली न मने न पांची भगिन्न ब्राह्मण मानक मुहि अटे निज दासी सुनी न आनंदे चढ़ी गले सबु दासी दासी माने कहुछन्ति सुबेदी गोसाई स्नान कर बेगे अंग मरदन होई बहु सुवास जल रे तुहि स्नान कले अंग पछिबाकु गामुछाए दासी देले बाकु पीतांबरी पाट आणी देले सुबेश होइण दुई भाई जे बसिले बलराम कहुछन्ति सुण रे कन्हाई हेमंत प्रकारे मान्य करे किस पाई एहा घरे पुरुष त जणे दिसु नाही सुणी देबा प्राय एही विचार दिसाई चालाए बे पळाए डाए ही ठारु जीवा क्षणक मध्यरे आउ प्राण न पाइबा जगन्नाथ कहुछन्ति ज्येष्ठ भाई सुण ए घरर कर्ता आज होइब आपण बलराम कहुछन्ति सुण रे कन्हाई हेमंत कहिबा तोर उचित नुहई गृह परिष्कार देवी सहस्त्रे कले बंध जे चंदन माए छड़ा पकाइले सुवर्णर थाली सुवर्णर गिना झरी हात धुआ पाद धुआ सुसज्जित करी मनोही करिबा विधि जेमंत भियाण सुवर्णर पीठ तही कले क निर्माण महालक्ष्मी कहुछन्ति दासी मुख चाहि बेग करी प्रभु कुल घेनिया सजाई एहा सुनी दासी माने बेगे चली गले ब्राह्मणक पासे जाई प्रवेश होइले विनयरे कहुछन्ति ब्राह्मण गोसाई भोजन करिब चल स्थान अछि होइ बलराम कहुछन्ति सुण रे कन्हाई नारी जण पुरुष केहि एथि नाहि भीतरकु जिबा आम्भे उचित नुहइ पत्र दुई खंड तुम्हे आण बेगे जाए जगन्नाथ कहुछन्ति सुण भाई तुम्भे ए घरर कर्ता आज होइ बाजे आम्भे किंपा तुम्हे भय करु अछ ज्येष्ठ भाई बलराम सेठा बरु न उठंती हस्त धरी घेनी गले कमलांक पति ठाब संचारे जे बलराम न बसंती हस्त धरी बसाइले देव श्रीपति कमलिनी कहुछन्ति तुलसी ब्राह्मणी देढ़ सुर मोर जे अटंती हड़ पाणी ताहाकु के मंदे न मुही देवी ने भीतरे थाएण मुझे देवई बढ़ाए बड़ सान बोली आगे पचारी बुझाई बड़ ठारे आगे अन्न परसी बुने अन्न थाली घेनी बेगे ब्राह्मणी अला बड़ सान के पंडा बोली पचारिला बड़ राम बोलु होई लुकी काणी बड़ सान किए तते नदी सही पुणी आम्भे बड़ बोली जे बड़ राम कही ब्राह्मणी बोले कोप कल कि गोसाई थाली रे अन्न बलराम देला भीतर
थाली अन्न आणवा बेड़ चारि ग्रास खाइले बलराम अन्न थाली घेने करी ब्राह्मणी आईला ए पंडा को अन्न जाक किए घेनी गला बलराम बोले क्यों दंत होइथिलु आग करी चारि ग्रास बेगे खाई देलु हसिला ब्राह्मणी दुई भाई को अनाई कुटुंब मारिबा प्राय दिशु छ गोसाई पुत्र भारी जकी तुम्भ दुही कर नाही पेट लागी बुलु अछ देश देश होई सहस्र गांधी कदळी रखी देले ने साठी नौती पड़ा बेगे देले तोई जीव परी प्रभु कर मन गुरु जाई सेही परी कमलिनी दियाती फटाई भोजन शेष को जे बोलती बलराम लक्ष्मी करांधणा परी लागुछि उत्तम जगन्नाथ कहुछन्ति बलराम भाई लक्ष्मी परा भार्य को पाइबा आउ काहि लक्ष्मी को भर्सना करी देले खौड़ाई बाहरी गले से तांको इच्छा हिला जही हेमंत समय पड़ो पिठा देले नी जगन्नाथ कहुछन्ति बलराम भाई मोर मन कथा को जे लक्ष्मी जानी थाई भोजन शेष को बड़ पिठाए दियाई भोजन सारिण प्रभु आचमन कले कर्पूर तांबूल दुई भाई जे भुंगिले बाहर मेलारे प्रभु विजे कले जाई गवाक्ष द्वारे लक्ष्मी अछन्ति अनाई पचार पचार दासी पचार लो जाई विवाह होई अछन्ति कि पंडा दुई भाई एहा सुनी दासी माने बेगे चढ़ी गले ब्राह्मण को निकटरे प्रवेश होइले पुत्र भारी जाओछि कि काहि तुम घर केउ राजे बाड़ी वृत्ति शासन तुम्हर जगन्नाथ कहुछन्ति सुना दासी तुही विवाह हेबा को द्रव्य आमर जे नाही बुआ बाड़ी शासन पाइबु आम्भे काहि लक्ष्मी परी भार्य को जे देलु घोड़ाई कपाल मंद आम्भर दुई भाई बोलु लक्ष्मी घोड़ाई आम्भे दुख पाइलु दासी बोइले पंडा होई लकी पाई नारी की छाड़ी पुरुष दरिद्र की होई गोविंद बोलती आम्भे कहु अछु सुन केउ नारी थिले हुए असह्य बधन केउ नारी थिले वंश निपात हुई केउ नारी थिले बासी पे जन मिलाए केउ नारी थिले साड़ी सुना बड़ा पाए केउ नारी अलक्षणी गृह को भांगाए तुम्भ सांताणी के गो पचार त जाए दासी कहे बातुल की होई लगो साए क्षुधा लागो थिला एबे भात जे खाइल आम्भ सांताणी को जे पचार बोइल बलराम बोइले मोर पिला भाई तुम्भ सांताणी आगे जणाइब नाही जगन्नाथ कहुछन्ति भय काही पाई किछि न विचार आहे बलराम भाई लक्ष्मी कर गृह सिना अटाई जे एठारे आपण भय कर किस पाई बलराम बोलुछन्ति बाबू चक्रधर तुम्भे जाई हस्ताधर महालक्ष्मी कर आम्भे दोष कलु बोली कह तांको जाए जही इच्छा तही था आम्भ मना नाही जेते बेले बलराम हेमंत कहिले भीतर पुर को प्रभु निजे विजे कले धीरे धीरे भीतर को गले पीतवास प्रवेश होइले जाई कमला तुम कथा
लक्ष्मी पुराण संपूर्ण।